हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूलुमिनी सेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मेडिकल टर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेडिकल टर्म्स के बारे में भी आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, तो आज का हमारा टर्म है हेमेटामेसिस। हेमेटामेसिस क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो उस वक्त आप देखते हो कि वोमिटिंग में कुछ ब्लड भी आने लगता है। तो वही ब्लड जो कि वोमिटिंग के साथ, गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ ब्लड आने लगे, तो उस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हम हेमेटेमेसिस कहते हैं। हेमेटेमेसिस ये टर्म आया है दो वर्ड से। ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड्स हैं, एक है हेमेटो, दूसरा है एमेसिस। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। तो इसका अगर कंबाइंड मतलब हम निकालने की कोशिश करें तो क्या निकलेगा? ब्लड प्रेजेंट इन द वॉमिटिंग। अगर आपको वॉमिटिंग में ब्लड आने लगे तो उस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे हेमेटेमेसिस। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात है कि आपकी स्टमक में, इंटेस्टाइन में अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी वजह से, तो वही हेमेटेमेसिस का कॉज होगी। जैसे कि ब्लीडिंग अल्सर हो गया या ट्यूमर्स हो गए, जो कि स्टमक में हो, इंटेस्टाइन में हो, ड्यूडेनम में हो, वो ट्यूमर्स हो गए। सिरोसिस हो सकता है, जो कि लेवर का सिरोसिस मैं बात कर रही हूँ। हेमरेजिक फीवर भी हो सकता है और मेलरिविस सिंड्रोम भी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।